इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की सर्बियन फिल्म हेवन जबाव के बारे में, जो तीन ऐसी कहानियों के बारे में है जिनमें भगवान के चमत्कार को दिखाया गया है और चमत्कारों के जरिए धर्म और इंसानों की सोच के बारे में बताया गया है। पहली कहानी का नाम है पाप, और ये कहानी है स्टोयान नाम के एक आदमी की जो 1993 में एक रेफ्यूजी की जिंदगी जी रहा था। स्टोयान एक कम्युनिस्ट है जो क्रोएशिया की जंग के बाद अपनी पत्नी नादा और बेटी जूलिया के साथ एक छोटे से घर में रहने लगा। वो पैसे कमाने की कोशिश तो कर रहा था, पर काम ना होने की वजह से नादा उसे बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटती। नादा दिन भर टीवी पर किसी पादरी का शो देखती है और उस पर ध्यान ना देकर स्टोयान अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने पर ध्यान देता है। वो एक दयालु आदमी है जो अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए उनकी यादों को समेटता है, इसलिए उनकी नजरों में स्टोया किसी संत जैसा बन गया था। एक रात बाथरूम का बल्ब बदलते हुए अचानक स्टोया को बिजली का झटका लगा और उस वक्त से एक अजीब सी चीज होने लगी। स्टोयान के सर पर एक रोशनी की रिंग बन गई जिसे वो हटा नहीं पाया। उसने वो रिंग छुपाने की कोशिश की, पर नादा से वो ये सच छुपा नहीं पाया और वो बुरी तरह डर गई। पर जब जूलिया ने अपने पिता को देखा तो वो खुश हो गई, क्योंकि ऐसी चीजें उसने कॉमिक्स में देखी थी। वो लोग समझ नहीं पाए कि आखिर वो इस सच को कैसे छुपाएंगे, और अपनी इस परेशानी को दूर करने स्टोयान चर्च में गया, पर उस चर्च में एक औरत ने उसे देख लिया और उसे एक पवित्र संत समझकर उसकी भक्त बन गई। किसी तरह उससे बचकर स्टोयान वहां से दूर भागा, पर वो औरत चिल्लाते हुए उसके घर तक आ पहुंची। नादा उस औरत को भगाने की कोशिश करने लगी, पर उस वक्त भी स्टोयान उस औरत की मदद करने के बारे में ही सोच रहा था। गुस्से में गलती से नादा ने स्टोयान का सच दुनिया के सामने दिखा दिया, और अब उस इलाके के लोग यही सोचने लगे कि स्टोयान सचमुच कोई संत हो सकता है। नादा की तरह उसकी दोस्त बोरका भी ये सोच रही थी कि स्टोयान बीमार है, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदला। अब हर कोई स्टोयान को देखने की कोशिश कर रहा था, और इस सब की वजह से नादा और परेशान होने लगी। उसने अपनी बेटी के पैसे जबरदस्ती ले लिए और बिना वक्त गवाए उस पादरी के पास चली गई जिसे वो हर रोज टीवी पर देखती है। उसने उस पादरी से कहा कि स्टोयान के अंदर शायद कोई आत्मा है जिसे वो निकलवाना चाहती है, पर पादरी का कहना था कि पूरी जिंदगी कोई पाप ना करने की वजह से स्टोयान के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसने नादा से कहा कि उसे स्टोयान से कोई पाप करवाना होगा जिसके बाद वो एक पवित्र इंसान नहीं रहेगा और उसके सर से वो रिंग गायब हो जाएगी। अलग अलग पापों के बारे में बातें करते हुए पादरी कहने लगा कि इस काम में बोरका भी उनकी मदद कर सकती है, पर उसकी बात बोरका को समझ नहीं आई। अगले दिन राको नाम के आदमी ने स्टोयान को अपने पास बुलाया और कहा कि उसके इस नए रूप का इस्तेमाल करके वो अपना काम आगे बढ़ा सकता है। स्टोयान को काम तो मिल गया, पर वो एक गुंडे के लिए चोरी का काम करके खुश नहीं था। नादा उससे और पाप करवाना चाहती थी, इसलिए जिंदगी में पहली बार स्टोयान को शराब पीनी पड़ी। शाम होते ही नादा बोरका को लेकर एक बार में गई, जहां उसने वो सारे पैसे और गहने दे दिए जो उसने जूलिया की शादी के लिए बचा कर रखे थे, और पैसों के बदले वो बहुत सारा खाना अपने साथ ले गई। कुछ दिन गुजरे पर कुछ भी नहीं बदला, और हार कर स्टोयान फिर से चर्च चला गया। उसने चर्च में कहा कि वो कभी भगवान जैसी चीज में मानता ही नहीं था, फिर भी दुनिया के आगे उसे संत की तरह दिखाया जा रहा है। वो एक कम्युनिस्ट है जो कभी धर्म में विश्वास भी नहीं रखता था, इसलिए उसे संत बनने का कोई हक नहीं है। उसने फैसला किया कि वो फिर से एक कम्युनिस्ट की जिंदगी जिएगा, पर नादा ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। नादा उसे भूखे बच्चों के सामने बहुत सारा खाना खिलाने लगी, पर जब स्टोयान को पता चला कि खाना खरीदने के लिए उसने अपनी शादी की अंगूठी तक बेच दी, तो वो कुछ खा ही नहीं पाया। उसने अब अपना बर्ताव बदलना शुरू कर दिया था, और लोगों को परेशान करके वो उनके साथ बदतमीजी करने लगा। उसने सारी बुरी आदतों को अपना लिया, पर रिंग को कुछ नहीं हुआ। एक रात अचानक उसके सर से खून आने लगा और वो समझ नहीं पाया कि उसे क्या हो रहा है। नादा ने पादरी की सलाह मानकर बोरका से कहा कि उसे स्टोयान के साथ एक अफेयर शुरू करना होगा। बोरका इसके लिए तैयार तो नहीं थी, पर उसे अपनी दोस्त की मदद के लिए ये काम करना पड़ा। स्टोयान को ये सब कुछ सही नहीं लगा, इसलिए वो पीछे हट गया और नादा फिर से उसे बुरा भला कहने लगी। गुस्से में उसने नादा को थप्पड़ मार दिया और घर छोड़कर चला गया। उसने अपनी जान देने की हर कोशिश की, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। ऐसा होने की वजह से वो अपना आपा खो बैठा और गुस्से में उसी वक्त बोरका के पास चला गया, और उस दिन से उसने अपना अफेयर शुरू किया। वो अब हर रोज बोरका के पास जाने लगा, जिसकी वजह से नादा और बोरका की दोस्ती टूट गई। जूलिया अपने पिता को इस तरह देखकर रोने लगी, पर वो स्टोयान को एक घटिया इंसान बनने से रोक नहीं पाई। स्टोयान हर एक पाप करके एक जाना माना गुंडा बन गया, पर उसकी रिंग की रोशनी बढ़ती गई
और एक दिन सारी हदें पार करते हुए वो जूलिया को अपने साथ ले गया और उसे एक क्लब में बेचने की तैयारी करने लगा। वो अपनी बेटी से उस क्लब में काम करवाना चाहता था, पर डर के मारे सही वक्त पर जूलिया वहाँ से भाग निकली। स्टोयान अपने घर प्रोस्टिट्यूट्स को भी ले आया, जिसके बाद उसने नादा को हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिया और जूलिया ये सब कुछ देखती रही। स्टोयान ने जूलिया की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद एक गुंडा बनकर जिंदगी के मजे उठाने लगा। वो चर्च में काम कर रहे लड़के मिक्रोब का दोस्त बन गया और चर्च की कमाई से अपना हिस्सा लेने लगा। अपने बुरे कर्मों को जारी रखते हुए एक रात उसने उसी पादरी को मार दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। और इस कहानी का अंत होते ही साल 2001 में गोयको की कहानी शुरू हुई, जो दिमागी तौर से कमजोर है। वो एक फैक्ट्री में छुपकर रहता है, जिसका मालिक पीटर नाम का एक आदमी है। गोयको पहली बार एक मोबाइल फोन देख रहा था और फोन पाने की चाह में उसने पीटर का कत्ल कर दिया। उसे गिरफ्तार करके सजा दी गई, पर वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। जेल में भी वो दिन भर सिर्फ एक मोबाइल फोन मांगता रहा, जिसकी वजह से उसका जीना मुश्किल होता गया। उसी जेल का वार्डन स्टोयान था, जिसने बताया कि अगले ही दिन गोयको को मौत की सजा दी जाएगी। अपनी आखिरी ख्वाहिश में गोयको ने एक मोबाइल फोन मांगा, पर फोन देने के बजाय एक आखिरी बार उसके पास पादरी को भेजा गया। गोयको ने बताया कि उसने फोन लेकर कोई पाप नहीं किया, क्योंकि उसने पहले पीटर से प्यार से वो फोन मांगा था। वो सिर्फ एक बार उस फोन को देखना चाहता था, पर पीटर एक स्वार्थी आदमी था, इसलिए गोयको से बड़ा पापी पीटर है। गोयको अपने आप को एक अच्छा आदमी मानता था, पर पादरी ने इनकार करते हुए कहा कि उसने पीटर के बेटे को अनाथ किया है। गोयको को उसका आखिरी खाना दिया गया और फिर पादरी उससे बातें करने लगा। गोयको का कहना था कि भगवान उससे फोन के जरिए बात करते हैं, और उसके कहने पर पादरी ने उसे अपना फोन दिया। मोबाइल हाथ में आते ही वो अजीब सा बर्ताव करने लगा और अचानक उसे एक कॉल आया, जिसके बाद पादरी को यकीन हो गया कि भगवान फोन के जरिए सच में गोयको से बातें करते हैं। पादरी हमेशा से एक करप्ट आदमी रहा है, पर गोयको से मिलकर वो बदलने लगा। वो सही और गलत के बीच के फर्क को समझने लगा और भगवान को ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। गोयको को सजा देने का दिन आया, पर उसके सेल में उन्हें उसकी जगह एक बच्चा मिला, जिसे देखकर पादरी समझ गया कि ये भगवान का कोई खेल है। किसी बच्चे को सजा देना सही नहीं था, पर स्टोयान जानता था कि वो बच्चा गोयको ही है, इसलिए वो उस बच्चे को भी सजा देने की सोच से पीछे नहीं हटा। उस बच्चे का डीएनए टेस्ट शुरू हुआ, जिसके रिजल्ट में साबित हो गया कि वो बच्चा गोयको ही है। और इस बीच पादरी एक इशारे का इंतजार करता रहा। वो सबको समझाने लगा कि ये गोयको को दिया गया एक दूसरा मौका है, पर स्टोयान अब भी उस बच्चे को सजा देने की बात कर रहा था। पादरी स्नेजाना नाम की एक औरत के घर गया, जिसने सालों पहले उससे मदद मांगी थी, पर उस वक्त वो स्नेजाना के बच्चे को बचा नहीं पाया था। वो गोयको के एग्जीक्यूशन को रोकने की कोशिश करता रहा, क्योंकि इस तरह वो स्नेजाना की मदद कर पाता और गोयको को उसे सौंप देता। वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बात को 25 साल गुजर गए और 2026 में गोयको की मुलाकात स्टोयान की बेटी जूलिया से हुई। गोयको अब एक पेंटर बन चुका था और जूलिया एक आर्ट गैलरी की मालकिन बन गई। गोयको जूलिया की गैलरी के लिए पेंटिंग्स लाया था, जिन्हें देखकर वो हैरान हो गई। पर जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो वो वहाँ से जाने लगा। जूलिया को उसे पैसे देने पड़े और खुशी खुशी अपनी पेंटिंग्स बेचकर वो अपने प्रोफेसर को ये बात बताने के लिए दौड़ा। जूलिया की गैलरी के बाहर एक बूढ़ा आदमी रहता है, जो भूख की वजह से गलती से उस गैलरी में आ पहुँचा। और गोयको की पेंटिंग देखकर उसे लगने लगा कि उसका पेट भर रहा है। स्मादा नाम का वो आदमी उसी पेंटिंग के आगे अपनी भूख मिटाने लगा और खुशी खुशी अपने जैसे दूसरे गरीबों से कहने लगा कि वो उनकी भूख मिटा सकता है। स्मादा नादा का पति है, जो अब एक प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगी है। स्मादा उसे अपने साथ एक गैलरी में यही चमत्कार दिखाने ले गया और कहने लगा कि किसी भी पेंटिंग से वो अपनी भूख को मिटा सकती है। वो ऐसी ही पेंटिंग ढूंढने लगा, पर इस बार किसी भी पेंटिंग ने वो चमत्कार नहीं किया, क्योंकि वो चमत्कार सिर्फ एक ही पेंटिंग में था। नादा के साथ साथ सिक्योरिटी के लोग भी उसे पागल समझने लगे और उसकी हरकतों को देखकर उसे वहाँ से निकाल दिया गया। दूसरी ओर गोयको अपने प्रोफेसर के पास पहुँचा, जो कोई और नहीं स्टोयान का पुराना दोस्त मिक्रोब है। मिक्रोब अपने स्टूडेंट के लिए खुश होने के बजाय उससे हाथापाई करने लगा, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि गोयको कोई पेंटिंग बेच सकता है। पर जूलिया को उसका काम इतना पसंद आ गया था कि उसने रईस लोगों को उसकी पेंटिंग्स दिखाई। अचानक गोयको की पेंटिंग देखने के लिए गैलरी के बाहर भिखारियों की भीड़ लग गई और उस भीड़ में जूलिया की माँ नादा भी मौजूद थी। जूलिया उसे पहचान तो गई, पर उसने उससे बात नहीं की और नादा इस बारे में सोचकर रोती रही। कुछ देर बाद नादा जूलिया से मिलने गई
पर अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से जूलिया उसे पैसे देकर वहाँ से भगाने लगी। उस वक्त जूलिया को पता चला कि गोएको की पेंटिंग्स देखकर लोगों को वो मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। वो उनमें से एक पेंटिंग अपने घर ले गई और ध्यान से देखने के बाद उसे भी वो मिलने लगा जिसकी उसे जरूरत थी। गोएको को पता चला कि उसकी पेंटिंग गैलरी में मौजूद नहीं है और इस सब की वजह से मिक्रोब उसे पागल समझने लगा। निराश होकर गोएको वहाँ से जाने लगा और उसका पीछा करने पर स्मादा को पता चला कि जूलिया उसी के घर पहुँच गई है। गोएको उसे पैसे लौटाने लगा पर जूलिया वहाँ पैसे लेने नहीं आई थी। उसने गोएको को अपनी गैलरी के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया और उनकी बातों के बीच स्मादा और नादा आ गए। वो दोनों पेंटिंग्स देखकर अपना पेट भरने लगे पर खुश होते होते अचानक गोएको को अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी कला को जूलिया एक वरदान समझती थी पर गोएको खुद इसे एक अभिशाप मान रहा था। वो उन पेंटिंग्स को बर्बाद करना चाहता था पर गैलरी में आए लोग उन पेंटिंग्स को देखकर उनमें गुम होने लगे। देखते ही देखते गोएको एक मशहूर पेंटर बन गया और उसकी एक छोटी सी पेंटिंग की मदद से नादा पैसे भी कमाने लगी। दुनिया की नजरों से बचकर गोएको अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगा पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी पेंटिंग यूनेस्को को बेचकर कई देशों की भूख को मिटाया जा रहा है। एक रात गोएको जूलिया के घर छुपने आया पर अचानक उसे ढूंढते हुए पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और उन पुलिस वालों के साथ स्टोयान भी वहां आ गया जिससे जूलिया सबसे ज्यादा नफरत करती है। स्टोयान ने एक नया कानून तैयार किया था जिसके मुताबिक गोएको की पेंटिंग रखना गैर कानूनी है क्योंकि उसकी सारी पेंटिंग्स सरकार की है। पर गुनहगार होने के बावजूद उसने जूलिया को आजाद छोड़ दिया। वहाँ से निकलकर गोएको मिक्रोब के पास आ गया और कहने लगा कि मिक्रोब असली कलाकार है और उसे मशहूर होना चाहिए। गोएको कभी पेंटिंग करना ही नहीं चाहता था पर अब सरकार उसे जबरदस्ती ये काम करवाना चाहती है। वो खुद की पेंटिंग को जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पुलिस वाले आ गए और मिक्रोब और उसकी गर्लफ्रेंड को उन्होंने मार गिराया। अपनी पेंटिंग जलाकर गोएको अपनी जान देने की कोशिश करने लगा पर फिर पुलिस को मिक्रोब की एक पेंटिंग नजर आई जो बिल्कुल गोएको की पेंटिंग जैसा काम करती है और उनके मन में फीलिंग्स पैदा करती है। जब ये बात पुलिस वालों को पता चली तो उन्होंने गोएको को हमेशा के लिए आजाद कर दिया और इस बात को 6 महीने गुजर गए। जूलिया और गोएको अब साथ रहने लगे और अब गोएको खुशी खुशी ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगा जिन्हें देखकर नशा चढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे पर अंत तक स्टोयान ने पाप करना नहीं छोड़ा। आखिरकार उसे गोएको की पेंटिंग की वजह से ही उसके पापों की सजा मिल गई और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पादरी ने गोएको की जान बचाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।